बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस तरह लूट से लगी हुई है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियों की, डेपुटेशन पर आने वाले लोगों की, कॉन्ट्रैक्ट पर आने वालों की मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट में तौसी की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। साबक जो स्पीकर थे असद कैसर, वो जाते जाते 200 से 300 अफराद भर्ती कर गए। मीडिया में शोर उठा, काफ़ी खबरें आईं। जो स्पीकर हैं मौजूदा राजा परवेज अशरफ, उन्होंने एक सुप्रिटेंडेंट की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। लेकिन ये जो माफिया बैठा हुआ है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, अब एक सुप्रिटेंडेंट की बात कौन सुनेगा? सेक्रेटरी सुनेगा? नेशनल असम्बली एडिशनल सेक्रेटरी सुनेगा? डीजीज बैठे हुए वो सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह प्रमोशंस हासिल की गई, वो एक अलग कहानी है। यानी कि ऐसा भी हुआ, डेपुटेशन पर आए लोग यहाँ पर आकर जम हो गए, प्रमोशंस हासिल की, साल दो साल बाद तरक्की हासिल की। लेकिन जो ऐसे अफसरान जो 25-30 साल से इसी सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, उनकी प्रमोशंस के हवाले से दोहरा म्यार। लेकिन सियासी मकासद होते हैं, सियासी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी। और मज़े की बात सुनिए कि राजा परवेज अशरफ ने भी चुप थाम ली, खामोशी इख्तियार कर ली, और वो जो एक इंक्वायरी कमेटी नाम नेहाद बनाई गई थी वो भी ठप कर दी गई। क्योंकि जिनको इस इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाया गया, उनका अपना, उन्होंने तो अपना बेटा भर्ती करवाया हुआ है, उनके तो अपने अजीज़ और रिश्तेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर सबसे बड़ी बात, जो घपले हैं, जो करप्शन है, जो बदनवानियाँ हैं, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। यानी कि ये जो बैरून मुल्क वफूद जाते हैं, ये IR या इंटरनेशनल रिलेशंस वाले क्या करते हैं? उसका बजट ही अलग करवा लिया। बैरून मुल्क दौरे जो राकिन पार्लियामेंट के या स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, उसका बजट ही अलग करवा लिया। TADA के खाते में क्या कुछ नहीं होता, लंबी कहानियां हैं, आने वाले दिनों में नाम भी इसमें शामिल करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये बता दें कि ये जो लोग आला अहदों पर फायज हैं, जो हक मारे बैठे हैं, यानी कि रिटायर हो गए लेकिन एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन फिर एक्सटेंशन, तीन तीन एक्सटेंशनें भी ली हैं, तो बेचारा जो नीचे डिप्टी सेक्रेटरी बैठा है या जॉइंट सेक्रेटरी बैठा, वो कैसे ऊपर आएगा जब इन्हीं रिटायर शुदा लोगों को दोबारा आप भर्ती कर लेंगे? खुद इसकी मिसाल ये सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हैं ताहिर हुसैन साहब, तीन मरतबा एक्सटेंशन ले चुके हैं रिटायर होने के बाद, और इन्होंने भी कोई काम नहीं किया, अपने अजीज़ अकारब को यहाँ पे भर्ती भी करवाया। इनके जो PS हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को भर्ती करवाया, कोई काम नहीं कर रहा। एडिशनल सेक्रेटरी हैं चौधरी मुबारक अली, ये भी एक्सटेंशन पे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एडिशनल सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेशन के मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक, ये तो कौमी असम्बली की ज़रूरत है, इनके बगैर तो लेजिस्लेशन के मामला चल नहीं सकते, बल्कि नागुज़ीर हो चुके हैं, दो मरतबा ये भी एक्सटेंशन ले चुके हैं। इन्होंने भी अपने बच्चों को भर्ती करवाया, ठीक है जी। वहाँ पर तो कोई मेरिट, कोई शफाफियत है ही नहीं, जिसका पावा चलता है, जिसकी सिफारिश चलती है, वो भर्ती करवा लेता है। ये चीज़ें चल रही हैं कौमी असम्बली में, मैं वही तो बात कह रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई एहतसाब नहीं, क्योंकि इनका बजट लाजमी अखराजात में आता है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, ये यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद डायरेक्टर हैं, स्पीच राइटर हैं चौधरी मोहम्मद मुख्तार, ये भी एक एक्सटेंशन ले चुके हैं, दूसरे की तैयारी में हैं। DG रिसर्च हैं मैडम रज़िया सुल्ताना,
ये भी बहती गंगा में हाथ धोने वालों में शामिल हैं। उसके साथ साथ बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक और साहब हैं, मिस्टर तारक, ये स्पीकर ऑफिस के कासद हैं। और ये तारक साहब जो हैं, चार मरतबा रिटायर होने के बाद चार एक्सटेंशंस ले चुके हैं। इनके कोई और बंदा नहीं है, भर्ती नहीं हो सकता, इन्होंने ही ठेका उठाया हुआ है कि यही वहीं पे काम कर सकते हैं। सेक्टरी के एक ड्राइवर हैं अयाज अहमद अब्बासी, ये भी उसी में शामिल हैं, जिन्होंने भी एक्सटेंशन ली है। नवाजा जा रहा है लोगों को, और जो इंक्वायरी कमेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका कोई वजूद ही अब नहीं रहा। सब मिलकर खाते हैं, एक से बढ़कर एक। और स्पीकर साहब को खुश करते हैं जी, वो ज़ाहिर है जब भी उनका कोई मूड शूड होता है, बाहर का दौरा करवा दिया, बैरून मुल्क का TAD अच्छा खासा बन जाता है। स्पीकर के वैसे भी इख्तियारात काफ़ी हैं, और फिर वो अगर कोई मंजूरी करवानी हो तो बाला एक फाइनेंस कमेटी बनाई हुई है, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल उसकी ले ली जाती है। पहले नहीं पता होता, बाद में जब काम हो जाता है ले लेते हैं, करवा लेते हैं। तो ये तो सिलसिले चल रहे हैं। अभी भी सुना है कि राजा साहब भी कम नहीं कर रहे, उनके हल्कों से भी लोगों को रखा जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, जगह तो निकल जाती है, लेकिन उनका क्या कसूर है जो कि सालों से बैठे हुए हैं प्रमोशंस के इंतज़ार में, तरक्कियों के इंतज़ार में, लेकिन चूँकि उनकी कोई सियासी सिफारिश नहीं है, उनके कोई अजीज़ व अकारब या उनके रिश्तेदार आला ओहदों पे फायज़ नहीं हैं, तो इस वजह से वो बेचारे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें और भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आएंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।